हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 100 टेक्निकल टर्म्स का, ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल साइड पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, उसके रिलेटेड और बहुत सारा जानकारी है इसमें। तो कंटिन्यू रहिए वीडियो में। जैसे कि दो पार्ट हमारा हो गया है, दो पार्ट में 50 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, 25-25 करके, और ये 51 से आज 75 नंबर तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 में क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चरल मेंबर, जो हमारा स्टील का परसेंटेज है स्ट्रक्चरल मेंबर उसमें कितना कितना होता है। जैसे कि स्लैब होता है, तो स्लैब में कितना होता है, 1% होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का। जितना कंक्रीट होता है टोटल वॉल्यूम, उसका 1% जो होता है क्या होता है, अपना स्टील होता है। जैसे कि बीम हो गया, बीम में कितना परसेंटेज होता है, बीम में 2% होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का। कॉलम में 2.5%। जैसे कि फुटिंग में कितना होता है, 0.8% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है अपना, परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चरल मेंबर है। ठीक है, तो ये समझ गए, जो कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं फिगर में। यहाँ पे ये हमारा क्या है, बीम है, ये पार्ट जो है कॉलम वाला है, तो हम देख सकते हैं ये कॉलम के लिए, कॉलम के लिए बीम वाला है। तो ये सब में कितना कितना है, ये स्लैब है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको फिगर भी रख दिया हूँ, जो कि आपको दिक्कत ना हो समझने में कि क्या है ये। ठीक है, फिगर है, सब टोटल में फिगर है आपका। अब 52 में देखते हैं, थंब रूल फॉर स्टील क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम फुटिंग कॉलम, कितना कितना जो है वो थंब रूल के हिसाब से। थंब रूल कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि 4-5 प्रोजेक्ट पे कोई काम किया, तो उसके बाद क्या है कि एवरेज वो निकाल लेता है कि कितना कितना लग रहा है पर स्क्वायर फीट, तो वो ऐसे करके निकाल लेता है। तो वो ये निकाला हुआ है, थंब रूल उसी को बोलते हैं। 4-5-6-7 प्रैक्टिकल करके उसके बाद जो एक निकल के जो आता है रिजल्ट पूरे का, तो उसको थंब रूल बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, थंब रूल फॉर स्टील क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर स्लैब के लिए, बीम के लिए, फुटिंग के लिए, कॉलम के लिए, कितना कितना है। तो अगर स्टील रिक्वायर्ड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग की हम लोग बात करें, तो 4.5 kg से लेके 4.5 kg, 4.75 kg पर स्क्वायर फीट। मतलब ये जैसे हमारा ये बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ये हमारा बिल्डिंग हो गया, तो मानिए क्या है, मानिए 100 स्क्वायर फीट का है, 100 स्क्वायर फीट का है, तो 100 × अगर ये आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 4.5 kg से लेकर 4.75 kg तक लगेगा। स्टील रिक्वायर्ड फॉर कमर्शियल बिल्डिंग है यदि, तो 5 kg से 5.5 kg तक लगेगा, 5 से 5.5 kg, 4.5 kg से 4.5 kg। तो जितना आपका बिल्डिंग है, अगर आपका 100 स्क्वायर फीट बिल्डिंग है, तो 100 स्क्वायर फीट है आपका, तो इसमें 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर रेसिडेंशियल है तो 4.5 से, या कमर्शियल है तो 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, तब आपका पूरा स्टील बिल्डिंग में कितना लगेगा वो आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है उसका फॉर्मूला निकालने का, यही है। तो कमर्शियल के लिए 5 से 5.5 kg पर स्क्वायर फीट लगेगा, पर मतलब केजी पर स्क्वायर फीट, उतने 1 स्क्वायर फीट में 5 kg स्टील लगता है। रेनफोर्समेंट बोलिए, रॉड बोलिए, सरिया बोलिए, वही लगता है। ठीक है, अब जो है सो हमारा क्या है, 53 है, बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर क्या है हमारा, बाइंडिंग वायर यही है जो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टील से दूसरे स्टील को बांधने के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग बाइंडिंग वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये द बाइंडिंग वायर इज यूज टू टाई स्टील वायर एट एवरी इंटरसेक्शन विथ 2 स्ट्रैंड्स, मतलब वायर से, ऑफ एनलेड स्टील वायर हैविंग डायमीटर। इसका जो है सो डायमीटर पूछा जाता है आपको, इंटरव्यू में पूछ देगा कि बताइए वो जो स्टील होता है उसका डायमीटर कितना होता है, तो आपको बताना होगा 0.9 से लेके 1.6 mm थिकनेस तक उसका डायमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका डायमीटर, और 2 से बांधा जाता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 है, अकेला नहीं रहता है, 2 रहता है। ठीक है, और ये जो है सो 7 kg से लेके 12 kg या 13 kg तक बोल सकते हैं, 1 टन के लिए। 1 टन अगर हमारा लोहा है, हमारा स्टील है, तो उसमें कितना लगेगा, ये 7 kg से लेके 12 से 13 kg तक आपका ये 1 टन में यूज होता है। ठीक है, 1000 kg में, 1000 kg स्टील को बांधने के लिए उतना चाहिए। अब 54 नंबर में क्या है हमारा, रेनफोर्समेंट स्टील बार।
स्टील रेनफोर्समेंट को कॉमनली क्या कहा जाता है, रीबार भी कहा जाता है। एंड वी प्रोवाइड द स्टील बार इन कंक्रीट फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग देते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में, जैसे कि हमारा स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, तो ये सब में हम लोग क्या देते हैं, रेनफोर्समेंट देते हैं, उसको रीबार भी बोला जाता है। और ये इसको हम क्यों देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। कंक्रीट जो होता है हमारा कंप्रेशन तो लेता है, बट क्या है कि हमारा टेंसाइल वो नहीं ले पाता है, मतलब 10 टाइम कम लेता है, बहुत ही कम होता है उसका टेंशन में, तो इसीलिए क्या है कि वो फेल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बीम हो या कॉलम हो तो उसमें क्या है कि हम लोग रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं, जो कि हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो उसको बढ़ा दे। ठीक है, अब क्या है 55 नंबर में इंपोर्टेंट IS कोड है। एक तो IS कोड होता है अपना 1786 जो कि रेनफोर्समेंट स्टील के लिए HYST हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। डिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, ये जो बार हो गया ऐसे ऐसे हुआ रहता है उसको डिफॉर्म बोलते हैं। अब डायरेक्ट ऐसा ही रहेगा उसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1786 जो है ये क्या है अपना रेनफोर्समेंट स्टील HYST रीबार के लिए है, जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसमें दिखाया जाता है। उसके बाद क्या है अपना IS कोड 2502 है, जो कि BBS का कोड फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार रेनफोर्समेंट। BBS का मतलब क्या हो गया, बार बेंडिंग शेड्यूल, तो बार बेंडिंग शेड्यूल का कोड फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार एनफोर्समेंट, ये कितना में है अपना 2502 में है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है, आपको पूछ सकता है कि डायरेक्ट बताइए अगर BBS आपको आता है तो कितने कोड IS कोड कौन सा है उसका, तो आपको बताना होगा 2502। आपको पूछ देगा रेनफोर्समेंट स्टील के लिए आप HYST बार के लिए बताइए, फिजिकल केमिकल के लिए कौन सा कोड यूज होता है, तो 1786 आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है अपना एस पर एरिया मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना कितना यूज किया जाता है, तो बीम और स्लैब है, ये जैसे बीम हो गया और ये स्लैब हो गया, तो बीम और स्लैब के लिए क्या है 4% ग्रॉस एरिया का, मतलब जितना एरिया है उसका 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये बीम और स्लैब के केस में है। ठीक है, और कॉलम के केस में क्या है 6% ऑफ ग्रॉस एरिया है, ये कॉलम है तो 6% इसका ग्रॉस एरिया के होना चाहिए, ये क्या है अपना मैक्सिमम क्राइटेरिया, इससे ज़्यादा आपका क्या है नहीं होना चाहिए रेनफोर्समेंट। जो सरिया लगाते हैं पूरे एरिया का, अब ये इतना मेरा पूरा एरिया है ना, इसका क्या है 4%, 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्लैब है, इसका पूरा एरिया में 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये कॉलम है, इसका 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि किसका कितना कितना परसेंटेज है। ठीक है, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट आपसे इंटरव्यू में। 57 नंबर का क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ इट डिजाइन स्ट्रेंथ। अगर डिजाइन स्ट्रेंथ 100 है तो आप मतलब क्या है नॉट लेस देन 50%, 15% से ज्यादा कम नहीं करना है उसको। ठीक है, तो यही बता रहा है, अगर 100 है तो आप उसको मतलब 15% तक, स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ डिजाइन स्ट्रेंथ, मतलब 100 है तो आप 100 में से क्या है 15 घटा दीजिए तो 85 आया, इससे भी कम जो है आप स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि हमारा इसको ध्यान में रखना पड़ता है। अब कहीं पे जो है बीम का साइज या कॉलम का साइज मानिए कि 12x12 12x14 आना चाहिए, आप वो क्या कहे 12x12 में लगा रहे हैं, तो ये चीज़ सबको ध्यान देना है, हमको सेफ्टी फैक्टर लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है हम लोग 1-2 महीने और 1-2 साल के लिए नहीं डिजाइन करते, 100-100 साल के लिए डिजाइन करते, इसलिए हमारा सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा ही रहता है, तो जहाँ तक क्या रहता है ठीक रहता है, हम लोग कम नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा स्टील का जो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 होता है, और कंक्रीट के लिए कितना होता है 1.5 होता है, तो ये आपको याद रखना है कि स्टील के लिए कितना है, कंक्रीट के लिए कितना है सेफ्टी फैक्टर, 1.15 इसका कम रहता है और कंक्रीट का 1.5 ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये तो फैक्ट्री में बन के आता है तो इसका क्वालिटी कंट्रोल बढ़िया रहता है, तो इसलिए 1.15 टाइम्स ही ज़्यादा लेते हैं, पर कंक्रीट जो है जो हम लोग बनाते हैं तो इसलिए 1.5 टाइम्स ज़्यादा करके लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि अपना 15% से ज़्यादा हम लोगों को कभी भी कम नहीं करना है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, फेल्यूर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कार्बन परसेंटेज इन स्टील, कार्बन का परसेंट कितना होता है स्टील में, तो 0.23% होता है, ये भी कौन कौन से टाइप के स्टील है उस पर डिपेंड पड़ता है, जैसे कि माइल्ड स्टील है 0.25 रहता है। ठीक है,
तो यही रेंज में 0.2325 ऐसे ही करके रहता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, नॉर्मली पूछ सकता है ये। और ये है आपका ड्रॉइंग रीडिंग, इसके ऊपर मैं एक वीडियो आपको ला दूंगा, ये कैसे पढ़ा जाता है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, वो पूरे डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या है इसका फंडा है, ठीक है। ये बीम में कैसे स्पेसिंग है, कॉलम में कैसे स्पेसिंग है, ठीक है। तो इसका पहले मैं बता दूँ, इस ये क्वेश्चन में क्या है, द फर्स्ट स्टीरअप ऑफ बीम मस्ट बी प्लेस विद इन 2 इंच फ्रॉम द सपोर्ट। मतलब जो फर्स्ट स्टीरअप, अगर ये देख ली, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा बीम है, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है कि 2 इंच पे होना चाहिए, 2 इंच पे क्या है कि हम लोगों को फर्स्ट स्टीरअप देना है, वो बात ये बता रहा है, चाहे इधर दे आप चाहे इधर दे आप। तो ये बता रहा है, पर मैं आपको डिटेल में यही फोटो से पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। एक इसका ये वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा ड्राइंग रीडिंग का, ठीक है दोस्तों। ड्राइंग रीडिंग समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये साइड पे जब भी आप जाते हैं तो ड्राइंग लेके खड़ा होना, समझना ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, प्लेसिंग जो होता है फर्स्ट स्टीरअप का, मतलब ये सपोर्ट है यहाँ से 2 इंच पे होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। पर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 100 mm, 100 mm का मतलब कितना हो गया, 4 इंच हो गया, पर यहाँ पे 2 इंच ही देना है। तो ये साइड कंडीशन कैसा है, कहाँ पे क्या है, उसके हिसाब से भी होता है। पर ये IS कोड आपको कहता है कि फर्स्ट स्टीरअप बीम शुड बी प्लेस्ड 2 इंच फ्रॉम द सपोर्ट। क्यों बोला है ऐसा, क्यों बोला है, क्योंकि शेयर फोर्स ज़्यादा कहाँ पे होता है, आपका सपोर्ट पे होता है, इसलिए ये चीज़ बोला है कि सपोर्ट पे ज़्यादा पास पास में रहेगा तो ज़्यादा लोड बियर होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, उसलिए वो बता रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरअप निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्लियर स्पान कितना है और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना है। अगर ये क्या है अपना 12 फीट है, ठीक है, तो क्लियर स्पान कितना हो गया, 12 फीट हो गया। अब मानो कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना हो गया, तो इसको जो ये आपका ये जो 12 फीट है, इसको क्या है कि आप mm में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि आप ये जो है या इंच में कन्वर्ट कर लो, तो 12 फीट है और 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 बराबर 144 इंच हो गया मान लो, ठीक है, 144 इंच हो गया ये पूरा। अब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना रखेंगे, मानिए आप 2 रखेंगे या 4 रखेंगे या 5 रखेंगे, तो उसको डिवाइड करिए, जितना आएगा उसमें 1 जोड़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उतना क्या है अपना, उतना उसका आ जाएगा कि स्पेसिंग में कितना वो रहेगा, वो पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्लियर स्पान कितना है, तो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल ये एक लेके बता दिया, ऐसे करके आप और एग्जाम्पल आपको जो साइड पे आ सकता है वो लेके आप देख सकते हैं कि कितना है, कितना इंच का हम लोगों को रखना है, उसके हिसाब से आप आराम से इसको पता लगा सकते हैं। जितना ये अगर 12 था या 10 ही है या 5 ही है, जितना फिट है आपका, 5 फिट है तो 5 डालिए। और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना है, मतलब एक स्टीरअप से लेकर दूसरा स्टीरअप के बीच में डिस्टेंस कितना है, उतना रखिए और प्लस उसमें 1 कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे करके पता लगाया जाता है, ठीक है। अब 61 नंबर में क्या है हमारा, मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ फॉर कॉलम मेन रॉड इन फुटिंग इज। जैसे ये फुटिंग होता है तो यहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट लेंथ जो होता है वो कितना होता है वो पूछ रहा है। तो 300 mm, 300 mm का मतलब क्या हो जाता है, 4 या 12, मतलब 12 इंच, 12 इंच मतलब कितना, 1 फीट, 1 फीट तो मिनिमम क्या है ये रखना है, वो बता रहा है ये, ठीक है। 1 फीट मिनिमम एल फोर कॉलम मेन रॉड, कॉलम का मेन रॉड, ये जो मेन रॉड, ये दोनों चारों साइड का जो होता है ना वो होता है मेन रॉड, ये बीच का तो एक्स्ट्रा है पर चारों साइड का जो होता है वो होता है मेन रॉड, क्योंकि ये तो होना बहुत ही जरूरी है, बाकी बात और हो या ना हो पर ये मेन होना बहुत ही जरूरी है। तो वही मिनिमम एल फोर कॉलम मेन रॉड इन फुटिंग इज, फुटिंग के लिए कितना होना है, 1 फीट होना है, ठीक है। अब क्या है, ऑल रेनफोर्समेंट यूज शुड बी फ्री फ्रॉम मील स्केल, लूज रस्ट, कोट ऑफ पेंट, ऑयल और एनी अदर सबस्टांस। ये जितना भी रेनफोर्समेंट है, सरिया, ये सब फ्री होना चाहिए। अब ये देखिए इसमें खराबी हो गया है, इसमें क्या लग गया है, ये रस्ट लग गया है, कोरोजन लग गया है, तो ये सब नहीं होना है। इसके लिए क्या है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, बचा के रखना पड़ता है इन्वायरमेंटल कंडीशन से। ऐसे ही नहीं कि सरिया खरीद के लाए और बाहर रख दिए, 10 दिन 20 दिन महीने 2 महीने 10 महीने रखे हैं, उसके बाद फिर घर बना रहे हैं, वही यूज कर रहे हैं, तो वह आपका क्या होगा, प्रॉपर जितना स्ट्रेंथ देना चाहिए उतना नहीं देगा आपको। तो पहले लगेगा कि ठीक है, बट क्या है कि इसमें हवा जब चलता है, नमी जब आती है, तो इसमें क्या है, कोरोजन लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ सबको हम लोगों को ध्यान में रखना है
कि रेनफोर्समेंट फ्री होना चाहिए, जैसे कि पेंट हो गया, ऑयल हो गया, रस्ट हो गया, कोरोजन हो गया, ये सबसे आपको क्या है कि फ्री पूरा रहना है, आपको फ्री रखना है रेनफोर्समेंट को, लाते ही इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है, नहीं कि बाहर ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब क्या है 63 में, फोर कैंटिलीवर मेन स्टील एंचर्ड लेंटिल, मेन स्टील का जो एंचर जो होता है ना, एंचरेज बोलिए या डेवलपमेंट लेंथ, एंचरेज का मतलब क्या हो गया, घुमाव, यहाँ पे जो हम लोग घुमा रहे हैं ना ये ही है एंचरेज, तो एंचरेज कितना होना चाहिए 69D, ये 60D तक, 60D मिनिमम लिया ही जाता है, साइड कंडीशन के हिसाब से देख के 70D भी लिया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप एंचरेज कितना करना है, या डेवलपमेंट लेंथ आप बोलिए, यहाँ से डेवलपमेंट लेंथ जो होता है वो 60D होता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको क्या है ध्यान में रखना है कि कितना कितना होना चाहिए डेवलपमेंट लेंथ एंचरेज लेंथ। अब क्या है 64 में, एज पर आयुष कोड 456/2000 मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्टील बार यूज इन स्लैब शुड नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। अब जैसे ये देख लीजिए, ये मेरा क्या है स्लैब का थिकनेस है, ठीक है, 125 mm है मानो, ठीक है, 125 mm क्या है मेरा स्लैब का थिकनेस है, 125 mm का मतलब कितना हो गया 5 इंच, 5 इंच का ये क्या है मेरा मोटाई है स्लैब का, ठीक है। तो ये क्या बोला है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्टील बार यूज इन स्लैब, जो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ जो स्टील होगा यूज ये स्लैब में, ये जैसे स्टील है, ये स्टील है, ये स्टील है, वो शुड नॉट एक्सीड, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, इसको जो है 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो ये बता रहा है कि जितना थिकनेस है आपका उसे 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। तो आप ये समझ गए, स्लैब का फोटो भी है, देख लीजिए आप समझ जाइए, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखा दिया आपको क्या बात है, ठीक है। अब देखिए 65 में क्या है, मेन बार इन द स्लैब शैल नॉट बी लेस देन 8 mm, मेन बार जो है, अब इसमें देखिए मेन बार कौन सा रहेगा, अगर ये मानिए ये लंबाई ज़्यादा है और ये छोटा है, तो ये छोटा है तो इधर वाला होगा मेन बार, मतलब शॉर्टर स्पान में कभी भी दिया जाता है वो क्या रहता है अपना मेन बार, और लॉन्गर स्पान में दिया जाता है वो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। तो ये मेन बार का कितना है 8 mm से कम नहीं होना चाहिए, और क्या है वो HYST हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म होना चाहिए, और 10 mm का, या प्लेन बार रखेंगे तो 10 mm का होना चाहिए, पर 8 mm का रखेंगे तो डिफॉर्म बार होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो है सो एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार शुड नॉट बी लेस देन 8 mm, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा लंबाई वाला ज़्यादा वाला, वो भी क्या है आपका 8 mm से कम नहीं होना चाहिए, और उसके बाद फिर वही बात 1/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब होना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर दैन, मतलब उसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि पहले भी मैं आपको बता दिया क्वेश्चन में। अब क्या है लैप लेंथ फॉर M20 कंक्रीट के लिए लैप लेंथ कितना होना जरूरी है, कॉलम के लिए 45D, अगर देखिए अगर मिनिमम बोल रहा है तो कॉलम के लिए कितना होगा 24D, क्योंकि कॉलम क्या है हमारा कंप्रेशन मेंबर है, तो कंप्रेशन मेंबर के लिए मिनिमम क्या हो जाता है 24D होता है कॉलम के लिए। अगर फिर आपको पूछ रहा है कि कॉलम के लिए बताइए लैप लेंथ M20 के लिए, तो आप कितना बोलेंगे 45D, बीम के लिए 60 और स्लैब के लिए 60, ठीक है। लैप लेंथ ज़्यादातर लैप लेंथ डेवलपमेंट लेंथ ये चीज़ सब आपको समझना जरूरी है, और कहाँ कहाँ कितना कितना देना है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि बीम में आपको पता होगा लैप या तो सेंटर में करे तो ऊपर, और यहाँ करे तो सपोर्ट के पास ही करना पड़ता है। कॉलम में आपको ऐसे करके नहीं देना है, एक ही जगह सभी को लैप नहीं करना है, अल्टरनेट करना है, एक को ऊपर एक को नीचे ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। तो ये बात सबका क्या है आपको पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है कि हम लोग जो लैपिंग कर रहे हैं वो लैपिंग इन सेम लेवल नहीं करना है, अल्टरनेट करना है, जिसको क्या बोलते हैं स्टैगर्ड लैपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब 68 नंबर में क्या है, लैपिंग बार शुड बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द सपोर्ट, जो ये लैपिंग बार जो होगा ये क्या है एंड ऑफ द सपोर्ट, मतलब ये है और ये है, मतलब ये बीम है और ये कॉलम है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट पे है, यहाँ पे सपोर्ट पे, मतलब लैपिंग बार शुड बी प्रोवाइडेड द एंड ऑफ द सपोर्ट, सपोर्ट के एंड में होना चाहिए, ये सपोर्ट है इसका एंड में, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट का एंड में देखो, तो ये आप समझ गए ना। फोटो इसीलिए रखा हूँ कि फिगर से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो आप क्या बताना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छे से डिलीवर हो और आप समझ पाए, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि आप लोगों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगा, ठीक है। अब देखिए 68 नंबर में तो समझ गए, अब 69 नंबर में क्या है, लैपिंग शुड बी क्लोजली स्पेस एट लैपिंग जोन, लैपिंग जो होगा सो शुड बी क्लोजली स्पेस, मतलब
पास पास होना चाहिए लैपिंग जोन में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ का लैपिंग दूरी क्या है, ज़्यादा है, पर यहाँ का क्या है, कम है, यहाँ का फिर से कम है, ये सब देख रहे हैं, ये कम है बहुत बहुत। अब ये देखिए, ये दो का जितना दूरी है, ये चार का इतना दूरी है, मतलब क्या है कि यहाँ पे लैप किया गया है, तो लैप किया गया है तो उसको पास पास में रखना है, पर यहाँ पे लैप नहीं है तो यहाँ दूर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझना है कि कहाँ पे जो है आप लोग क्या कर रहे हैं, लैप कर रहे हैं। लैपिंग अगर क्लोजली स्पेस्ड होगा तो लैपिंग होगा वहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड होगा, और रेगुलर स्टीरअप होगा जहाँ पे मतलब लैपिंग वैपिंग नहीं होगा तो वहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग डिस्टेंस छोड़ते हैं वैसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है, ये कॉलम में हो, बीम में हो, जहाँ भी लैप होता है वहाँ क्या है आपको पास में रखना है थोड़ा, ठीक है। अब क्या है, लैपिंग शुड बी डन इन मिडिल थर्ड पोजिशन ऑफ द बीम। लैपिंग जो है मिडिल थर्ड पोजिशन में क्या है, बीम का होना चाहिए। अब क्या है ये देखिए, ये अगर मान लीजिए कि आप ये बीम है, ठीक है, तो अगर टॉप बार का लैपिंग करना है तो यहाँ पे होना है, मतलब मिडल थर्ड में एल बाई थ्री, एल बाई थ्री और एल बाई थ्री है, तो मिडल वाला कौन सा हो गया, ये बी एल, तो मिडल वाला जो है उसका बीच में क्या है कि लैपिंग होगा अपना टॉप वाला बार सिर्फ, तो टॉप वाला बार होगा किस में, एल बाई थ्री में होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहाँ किसका होना है, ठीक है। तो ये आपका किसके लिए बात किया है, बीम के लिए बात किया है, तो जैसे कि एल बाई थ्री, एल बाई थ्री, एल बाई थ्री करके दिखा दिया और यहाँ पे लैपिंग हो गया वो भी दिखा दिया, तो ये फोटो से आपको क्लियर हो गया। तो ये किसके लिए दिखा रहा है, टॉप बार के लिए, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन है टॉप बार के लिए। अब 71 नंबर में क्या है, नेवर प्रोवाइड लैपिंग इन सेंटर ऑफ द बीम एंड कॉलम। अब जैसे कि अब ये कॉलम हो गया तो डायरेक्ट क्या है कि सेंटर में हम लोग लैप दे देते हैं, मिडल में ही पूरा लैप दे देते हैं, तो ये काम एकदम ही गलत है, हम लोगों को पूरा नहीं देना है। जैसे जो मेंबर जो हो गया अपना वो, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोड आ रहा है, ठीक है, ये हमारा बीम है, यहाँ पे लोड आ रहा है, तो ये जो हमारा जोन होगा ये क्या होगा, कंप्रेशन वाला हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, टेंशन वाला हो गया, तो ये नीचे टेंशन हो गया और यहाँ पे जाते जाते क्या हो जाता है, ऐसे करके जो क्रैंक बार देते हैं तो हम लोग यहाँ फिर टेंशन चला जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे ये टेंशन है, यहाँ पे आपका और यहाँ पे, तो कभी भी हम लोग जो ये लैप जो देने वाला काम करते हैं वो किस मेंबर में करते हैं, कंप्रेशन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है नीचे ना, यहाँ पे जाइएगा यहाँ, तो यहाँ भी हमारा क्या रहता है, टेंशन रहता है, यहाँ भी टेंशन रहता है, नीचे यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, इसलिए ये तीनों जोन में क्या है कि अपना बार क्या है कि लैप हम लोग नहीं करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे कंप्रेशन है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लैप कर सकते हैं। तो कहाँ पे लैप करना है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं कि ऐसे रट लिए बस सेंटर में करना है, उसको बीच से जैसे ही लैप कर दो फटाफट, तो वो काम आपका गलत है, वो दिक्कत हो जाएगा आपको बाद में, ठीक है। ये फिगर से मैंने पहले भी आपको बता दिया, लैपिंग शुड बी डन इन अल्टरनेट होना चाहिए, ऊपर नीचे को बोलते हैं अल्टरनेट, एक साथ नहीं होना चाहिए ऐसे करके, क्योंकि फेल हो जाएगा डायरेक्ट, पूरा ही फेल हो जाएगा क्योंकि सभी ज्वाइंट है ना। लैपिंग लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 75 mm, कम से कम 3 इंच तो आपको लैपिंग लेंथ देना ही है, वैसे तो 12-12 इंच दिया जाता है, पर क्या है कि शुड नॉट बी लेस देन, IS कोड बोल रहा है 456/2000 कि इतने से कम तो आप कम से कम नहीं करिए, ये बात बोल रहा है। इसे ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसे कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी 3 इंच से कम क्या ही कर सकते हैं आप, अगर ये रॉड है तो आप इतना चढ़ाएंगे इतना में 3 इंच हो जाएगा, क्योंकि ऐसे करके आप जब स्टैगर करेंगे इसको फिर ऐसे करके डालेंगे तो उतना और उससे कम क्या ही कर सकते हैं। तो लैपिंग लेंथ क्या है, 3 इंच से कम 3 इंच से ज़्यादा तो आप करिए, 3 इंच से कम मत करिए, ये आपको ये लिमिट लगा रहा है कि इसे कम आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है आपका, मैक्सिमम लैप इन अ जोन मोर देन 50% ऑफ बार शुड नॉट बी लैप्ड इन वन जोन, मतलब एक जोन में क्या है कि आप 50% से ज़्यादा लैप नहीं कर सकते। देखिए अगर ये चार रॉड है, ठीक है, अगर ये मेरा पहला तल्ला है और ये सेकेंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, तो अगर 8 रॉड है ना, अगर सपोज ये 8 है तो 4 को यहाँ पे लैप करना है और 4 को क्या है कि दूसरे फ्लोर में लैप करना है, ठीक है दोस्तों, उसको क्या है कि 4 को नीचे लैप करना है, 4 को ऊपर लैप करना है। अगर 8 है तो आपका 2 है तो 2 को स्ट्रेट जाने दीजिए ऊपर, 2 को यहाँ पे लैप कर लिए, 2 को ऊपर वाले तल्ले में लैप कर लीजिए, ऊपर वाले फ्लोर में। तो ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि जो लोड जो होता है वो ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है, वो
आपको क्या है कि लोड ज़्यादा स्ट्रेंथ बियर कर लेता है, एक सामने से टूटने की जो वो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाता है। डोंट यूज मोर देन 50% लैपिंग जोन इन एनी आरसीसी स्ट्रक्चर, वही बोल रहा है 50% से ज़्यादा लैपिंग जोन कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर में मत रखिए, वो ये वार्निंग दे रहा है। तो ये बात हम लोगों को समझना है। अब क्या है, लैप इन टेंशन, नो लैपिंग शुड बी प्लेस इन टेंशन जोन। जैसे कि मैं आपको बताया ये होता है टेंशन जोन, ये होता है टेंशन जोन, ये होता है टेंशन जोन, तो ये समय क्या है कि आपको लैपिंग नहीं करना है। अगर आप लोग वहाँ पे लैपिंग कर देंगे तो पूरा ही बर्बाद हो जाएगा, वो लैपिंग जोन काम नहीं करेगा, आपका दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टेंशन जा रहा है। कैसे जा रहा है टेंशन, वो मैं आपको अभी फोटो से दिखा रहा हूँ। अगर सपोज ये मेरा बीम है, यहाँ पे ये लोड आ रहा है, तो ये बीम कैसा डिफ्लेक्शन शो करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंक्रीट रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ये ऐसा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ लैप नहीं देना है हमको, यहाँ सीधा वाला रॉड देना है। जो भी लैप देना है वो कंप्रेशन में आपको देना है, क्योंकि यहाँ भी लोड पड़ रहा है, यहाँ लैपिंग सैपिंग हो जाए, पर यहाँ पे नहीं होना है, क्योंकि ये ऐसे करके ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, आपका लैपिंग फेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रॉड टूट जाएगा। तो आज ये क्या था हमारा जो 25 पॉइंट थे ये कंप्लीट हो गए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, ग्रुप सब में अपना शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, और क्या है कि आपको कैसा लगा वो बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग 75 तक आ गए, अब 100 तक फिर पहुंचेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे कि हम लोग ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं, उसका भी डिटेल वाला वीडियो आपको डालेंगे। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।